नमस्कार, मैं मोंटू राजा। तमाम बार आपने देखा होगा कि जो बाजार होते हैं उसमें अवैध वसूली की अक्सर शिकायतें आती हैं। ये अवैध वसूली अधिकतर पुलिस द्वारा, एमसीडी द्वारा या फिर कुछ दबंगों द्वारा की जाती है, ऐसा सुनने में आता है। ये फिल्मी सीन जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है। जो पीड़ित लोगों ने बताया कि कोई शख्स रौब दिखा के उनसे गैर कानूनी तरीके से अवैध वसूली करता है, जब ये चीज एमसीडी के टीवीसी मेंबर्स, पार्षद और वहां पे कुछ लोगों को पता चली, इसके ऊपर लोगों ने गहन चिंतन किया। यहां तक कि वो दबंग जो है वो महिलाओं द्वारा गलत आरोप लगवा के भी फंसवा देता है। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो कही जा रही थी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं जिन पे आरोप लगे हैं, उनका क्या कहना है, उसके बाद हाजी अफजाल का क्या कहना है, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे वो आया मेरे पास कि भाई पिंक कलर का सेट बना दे, मैंने उसका उन्हें हाथ दिया, मैंने साइज बताया उसको 24 साइज है। उन्हें सेट उन्हें नेवी ब्लू कलर में मुझे इलझा दिया। जो मेरे साथ बात हुई है, जो वो कोशिश करना वारदात करना चाह रहा उन्हें मुझसे, तो 2 मिनट के लिए वो चला गया मेरे पास से। उसकी बीवी मेरे पास खड़ी रही, इतने रुपये वो आया और अवेला 500 का नोट में कितने रुपये दिए, 500 का नोट देख लो। मैंने कहा भाई नींद में है क्या? उन्हें क्या नींद में, मैं अभी बतला रहा हूँ तुझे। मैंने सोचा ये मजाकिया टाइप का मजाक कर रहा है, और इतनी देर में वो 2 मिनट बाद ही पुलिस को लेके आ गया। पुलिस को जब लेके आया तो मैं सोच रहा हूँ अभी ये मजाक कर रहा है, क्योंकि इसका बैठना उठना पुलिस वालों के साथ है। क्या नाम है, नाम जानते हो उसका? नाम नहीं जानता, वो ब्लैक कोर्ट में रहता ज़्यादातर, वकील है मन्नी। हाँ मन्नी, हाँ मन्नी है। तो मैं सोच रहा ये मजाक ही कर रहा, मैं तो वहाँ तक भी मजाक ही सोच रहा था। जब पुलिस वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर दिया कि भाई तुम्हें चलना पड़ेगा दुकान बंद करके, तो मैंने, जब मेरे दिल में कोई डर नहीं है, मैंने कुछ करा नहीं, तो मैं क्यों दुकान बंद करूँ? तो मैंने कहा दुकान में बंद नहीं करूँगा। मैंने कहा मुझे जहाँ लेकर चलो मैं चल रहा हूँ। वहाँ लेके मुझे बाहर जैसे निकाला उन्हें ढेर मैंने झापड़ मारा पूरी भरे बाजार के अंदर। भाई किसने मारा था? मन्नी ने। लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं। अगर मैं चाहता तो उसके उल्टा मार सकता था, लेकिन हमें यहाँ कारोबार करना है, लड़ना नहीं है। व्यापारी बंदा लड़ता नहीं है, व्यापारी बंदा कभी भी नहीं लड़ेगा। क्या उसकी गलती थी कभी, वो ग्राहक को पैसे वापस दे देगा। फिर मुझे थाने लेके गए, थाने में ले जाते एक 2.5 फुट का जीरो फिल्म का शाहरुख खान, वो फर्जी, मैं तो उसको फर्जी ही मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी हाइट का ब्लैक कोट पहन के आना, इसका क्या मतलब है? और डायरेक्ट मुंह को मारना। तो 2 पुलिस वाले जो मेरी मुझे लेके गए थे, उन्होंने दोनों ने मुझे बचाया। जो बात है उन्होंने बचा कर, क्योंकि ये तो बहुत सारे लड़के तुम्हें यहीं मार देंगे, तो उन्होंने मुझे बचाया, मुझे ऊपर लेके गए। वहाँ मुझे उन्होंने सेफ रखा कि तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ रहो, पहले हम इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो जब मेरे दिमाग में कड़ी घूमी, ये परसों लड़ाई हुई थी, परसों का मुझे पता भी नहीं, इल्म नहीं, परसों लड़ाई हुई है। फिर मैंने उनको, अपने भाई को, बड़े भाई को फ़ोन करा, राहत भाई को। मैंने, राहत भाई उसकी दुकान पे जाओ, उसकी क्या मैटर है, उसका हमारे दुश्मनी कौन सी बनी है। जब उनने कहा कि हम, अच्छा तुम नहीं हो, तो उनने वापस केस लिया। फिर बाद में इनका भाई का माल फेंका आके, अब ये बताइए। भाई मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। मेरे सामने आए थे, ठेली लगा दिया जबरदस्ती, क्या भाई ठेली यही लगेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। मैंने, भाई हटा लो, कि भाई यही लगेगा, जिसको बुलाना है बुला लो। मैंने भाई को फ़ोन कर दिया, अलीम भाई को। मैंने, भाई ये ठेली हटा नहीं रहा, ऐसे ऐसे बात है। फिर आके कहा भाई माल भरा लो जल्दी फटाफट, नहीं तो माल फेंक दूंगा मैं तेरा। फिर इसके बाद अलीम भाई आ गए, फुल बुला के आए, ठीक है, फुल गुंडा कर दी है, फुल बदमाशी चल रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है इस चीज के लिए। ऐसे इस लड़के से लिए गए थे, ये मोहसिन है, इसके ऊपर आरोप लगाया था, केस बना रहे थे इसके ऊपर, पर फोटोज सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं मार्केट के अंदर हमारी, वहाँ चेक करा गया था। ये आरोप लगाया लड़की छेड़खानी का, इसने मन्नी ने इसके ऊपर आरोप लगाया, केस बना, इस पर पैसे लिए थाने के अंदर, तब इसे छोड़ा गया है। तुम्हारे सामने ठेला लगाने के लिए कह रहा था, ठेला लगाने के लिए कहा था, ठेली आगे खड़ी कर दी गई थी, और 300 रुपये पर डे पे ठेली वाले से बात की थी। ठेली वाले को समझाया कि भाई यहाँ मत लगा, मन्नी को बुलाना चाहा, मन्नी नहीं आया, सिर्फ लड़के को समझाया, चला गया, दूसरे को इसके साथ बर्दाश्त करते मोहसिन के साथ। साथियों, ये अलीम भाई थे, और ये साथीगण जो गली में चूड़ी लगाते हैं, इनका ठिया कब्जा करने के लिए जो 3-4 वकीलों का ग्रुप बना हुआ है। देखो, मैं भी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे साथ भी तमाम कोर्टों के अंदर वकील जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, 150 वकीलों की टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे नशेड़ी गंजेड़ियों के ग्रुप छोड़ दिए गए हैं, जो लोग जेब भी काट रहे हैं,
और उनको हम लोगों से या जो नेतागण है या जो यहाँ पे कार्यकर्ता उनको आइडेंटिफाई करके बता दिया जाता है अगर ये उछले तो उनके ब्लेड मार दिए जाए या उनके साथ कोई घटना कर दी जाए। ये भी चल रहा है, आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि आपके जो ग्राहक हैं उनकी भी जेब कटने जा रही है। तो हमारी सुंदर मार्केट की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या हम होने देंगे? अभी दो चार दिन पहले मैं यहाँ था नहीं और मेरे बच्चे ने गाली खाली कर रखी थी सड़क पे, तो ये के जिस वकील साहब का ये नाम ले रहे हैं वही वकील साहब जाके हमारे को धमकी लेके आते हैं दुकान पे जाके कि गाली हटा दी और गोली मार दूंगा, आग लगा दूंगा। तो भाई ये जायज है क्या? आप सब दुकान लगा रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम भी तो यहीं पे रह रहे हैं, हम गाली कहाँ खड़ी करेंगे भाई? आपके दुकान के एकदम मिला के नहीं कर रहे, जैसे और दो चार गाली खड़ी ऐसे हमने भी अपनी गाली खड़ी की, तो गाली हटा दियो। मतलब आप उसकी उगाही ले रहे हो क्या ले रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसी का पक्ष लेके मेरे पास आके दुकान पे धमकी देके जाते हो कि आग लगा दूंगा, गोली मार दूंगा। ये वकील साहब ने, ठीक है तो भाई जरा इस विषय में गौर करना, ठीक है जी, क्योंकि जैसे आप मेरे भाई बंधु मैं भी आपका भाई बंधु, एक दूसरे से अलग तो है नहीं। भैया वकील साहब उन्होंने कहा वकील साहब मैं समझ जाओ, ठीक है भाई, गोली मार दूंगा आग लगा दूंगा, ये कहाँ का तरीका भाई? तमाम जो पीड़ित हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कैसे एक ठिए को कब्जा करने के लिए इस तरह की घटना रची गई, और वहीं एक सुनार का भी वीडियो आपने देखा जिसको गोली मार देने की बात कही गई है। अब इस घटना के ऊपर जो वहां पे क्षेत्रीय नेता हैं, समाज सेवी हैं, हाजी अफजाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। और आप बुजुर्ग नौजवान साथियों से बातचीत करने का आप लोगों ने मौका दिया, आप सब लोगों का शुक्रिया धन्यवाद। और शुक्रिया धन्यवाद इस चीज का देते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग क्या चंद लोग हराम खाते हैं और इज्जतदार कहलाते हैं, हराम काम करते हैं इज्जतदार बनते हैं। आप सबका इसलिए धन्यवाद कि आप रेहड़ी पटरी लगाते हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को पालते हैं, इसलिए आपको मेहनत करने वाला जिंदाबाद, हराम खाने वाला मुर्दाबाद, ना उसको दुनिया में अच्छी इज्जत मिलेगी ना आखिरत में उसको इज्जत मिलेगी। आप लोगों को दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। जिस तरीके से मेरे छोटे भाई बता रहे थे कि कोई वकील अपनी बड़ाई की ताकत पे गरीब आदमियों का शोषण करना चाहते हैं और शोषण करा है, ऐसे वकील को मुर्दाबाद किया जाएगा, उसको नकारा जाएगा, उसकी काबिलियत, उसको मुबारक, हमें मुबारक नहीं। वकीलों के लिए भी पार्टीशन है, अगर वो जास्ती और परेशानी करता है तो उनकी एसोसिएशन, जो वकीलों की एसोसिएशन है उसमें भी एक एप्लीकेशन लगती है और एक कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगती है, जिससे उनका जो हाई कोर्ट से रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है। उसके लिए भी अगर हम मेहनत कर लेंगे ऐसे वकीलों के लिए तो उनकी वकालत खत्म हो जाएगी और वो तुम्हारे कदमों में होंगे। तो वो तो रहा वकीलों का सवाल। दूसरा, मैं यहां मौजूद हूं और मेरे इलाके के आपके इंस्पेक्टर यहां मौजूद हैं, तो ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। मैं आपको सबको भगवान की अल्लाह की कसम दे के पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा एमसीडी का क्या निगम पार्षद के हैसियत से कोई आदमी पैसा लेना आना यहाँ वसूली करना चाहता है, क्या उनने यहाँ वसूली करी है? तो वो ईमानदारी से बताया जाए कि जी हाँ, निगम पार्षद के नाम से
हमसे एक कील के एक रुपया के हजार रुपए या 500 रुपए मांगे गए हो तो उसके कसम मेरे इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद है, 10 पैसे का भी सवाल नहीं हुआ कभी। मेरे इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद है, अगर मेरे इंस्पेक्टर साहब ने भी किसी को सताया हो तो मेरा गिरफ्तार पकड़ लेना। मेरे इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करते हैं। मेरे कर्मचारी किसी के साथ में जास्ती करते हो जो सफाई कर्मचारी है तो वो भी मेरा गिरफ्तार पकड़ के कह सकते हैं कि तुम्हारे कर्मचारी ने जास्ती करी है। एमसीडी की पर्ची सिर्फ जुमरात के दिन बाजार के दिन 10 रुपए की कटती है और उससे पहले जब नगर निगम ने आपने हमें इज्जत और कामयाबी दी है तो हमने भी कसम खाई थी कि यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म करा जाएगा। और जो यहाँ हफ्ता उगाई होती थी एमसीडी की तरफ से, जो एमसीडी के कर्मचारी यहाँ से अब से 10 साल पहले पैसे ले जाते थे, उनको बंद कराया नहीं कराया, उनको बंद लगाम लगाई या नहीं लगाई। हमें सिर्फ एक चीज की तकलीफ होती है कि बाजारों में वो उतना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग और नौजवान साथियों से, ये बाजार में जो लेडीज आती है कौन है हमारी, जब ये हमारी बहन बेटी है तो इनकी हिफाजत करना हमारा काम है और ये हमारा ईमान और हमारा धर्म कहता है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं तो इन बहन बेटियों की हिफाजत करें, इन बहन बेटियों को सहूलियत दें। और जो 100,000 रुपए कोई एक आध गलत आती है तो उसको भी सबक सिखा के और थाने तक पहुंचाने का काम हमारा, जिससे मार्केट हमारी बदनाम न हो सके, जिससे बाजार हमारा बदनाम हो सके। हम अपनी नजरों को अच्छे से बेहतर रखें और अपनी बहन बेटियों के तरीके से उनके साथ में सलूक करें। रेली पटरी वालों से हमारी कोई जानिश्ता दुश्मनी नहीं है, जानिश्ता कोई हमारी रंजिश नहीं है, जानिश्ता हमारा कोई सताने का काम नहीं है, जानिश्ता हमें तुम्हें तंग करने का काम नहीं है। सिर्फ हम इतना हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि थोड़े से रोड को चौड़ा कर ले, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस एकदम निकल जाए, कोई फायर ब्रिगेड आ जाए तो एकदम जल्दी से निकल जाए, कोई दिक्कत किसी को हार्ट अटैक बाजार में पड़ जाए, कोई बीमार होकर गिर जाए वो आराम से उसे निकाल के ले जाए। अगर रोजी रोटी ज्यादा फैलाने से रोड को कवर करने से होती है तो करो, बाकी तकलीफ बराबर जितनी पब्लिक को होगी इतनी आपको भी होगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ठियो को थोड़ा सा पीछे करके लगा ले, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। बाजारों को पीछे कराने का मेरा मकसद क्यों है, जब हम बाजार में आने वाली बहन बेटियों को हमने क्या कही थी कि हमारी बहन बेटी है, हमारे मोहल्ले पड़ोस की है, जो बहन बेटी हमारे बाजार में आ गई, जिनकी वो बहन बेटी घर पे है उनकी बहन बेटी वो बाद में है, अब बाजार में हमारे साथ में वो हमारे रोजगार को चला रही है, हमारे बच्चों के लिए रोजगार और रोजी लेकर आई है, उनकी हिफाजत करना काम हमारा। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं इसी इलाके के, क्या दूर शर्म आती है अगर जिस तरीके से वो करते हैं उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, उस चीज का भी ध्यान रखना हमारा काम है। जो हमारा जो बहन बेटियों का साथ नहीं आता और यहाँ के लड़के शरारत करके उन बच्चियों को उन बहन बेटियों के कपड़े खराब कर देते हैं पीछे से, तो उनका ध्यान रखना किसका काम है? तो हम ध्यान रखेंगे, उन पर नजर रखेंगे, उन्हें सिलमपुर थाने तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह सिलमपुर मार्केट आज दिल्ली के अंदर नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। उसका अजर और उसका विचारधारा का ख्याल कहां तक जाएगा? सिलमपुर के अंदर नहीं, जहाँ जहाँ से बहन बेटियां आती हैं कि वहाँ के दुकानदार बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, वहाँ के दुकानदार बहन बेटियों का ध्यान रखते हैं, वहाँ के दुकानदार बहन बेटियों की इज्जत आवरों की हिफाजत करने का काम करते हैं, वहाँ के दुकानदार बहन बेटियों की हिफाजत और इज्जत करते हैं, तो उससे चौगुना रोजगार हमारे सिलमपुर का बढ़ेगा। उस चीज के लिए हम अगर एक संगठन को साथ लेकर सबका ध्यान रखते हुए काम करेंगे, इंशाल्लाह हमारी मार्केट को इज्जत मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। और मैं फिर लास्ट में एक दफा कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रस्तों का ध्यान रखें। जैसे कि आपने हाजी अफजाल को सुना, हाजी अफजाल ने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। वहीं जो एमसीडी टीवीसी मेंबर हैं
राजेश, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं कि किस तरह हम चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे तमाम जो वेंडर्स हैं उनको भी सुविधा हो और लोगों को आने जाने में दिक्कत भी ना हो। तो इस तरह की अगर उगाही आपको लगता है कि कोई कर रहा है और किसी अन्य मार्केट या बाजार में इस तरह की शिकायत आपको आ रही है तो कमेंट द्वारा वो चीज आप हमसे साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे शासन प्रशासन का ध्यान उस पर केंद्रित कर सके। इस पूरी रिपोर्ट पे आप क्या सोचते हैं कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।